किलोमीटर तक ये ऑक्सीजन का फैला। उसके बाद हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ताकि वो जो पर्वतारोही माउंटेनियर्स है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत हाइट में जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। विरल मतलब यहाँ सेंस है कि कम होते जाती है, रेयर मतलब होते जाता है, विरल होती जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत पड़ता है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है, एक मिश्रण। वायु हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम लोग के दिमाग में हिट करता है क्या? ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, इसमें और भी सारे गैसेस है मिला हुआ है, क्योंकि एक मिक्सचर है बहुत सारे गैसों का। वायु में जल वाष्प विद्यमान है, विद्यमान है। वायु में क्या है? जल वाष्प भी उपस्थित है। प्रकृति में जल चक्र, कल के क्लास में हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़े हैं। जल चक्र क्या है? जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। वायु का वह घटक, इसको हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं, कंपोनेंट जो जलने में सहायक है, वह क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। वह ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। वायु में जो एक कंपोनेंट है जो कि जलने में सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। तो प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में क्या होना अनिवार्य है? जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, और आगे हम लोग इससे ज्यादा और भी पॉइंट्स है इसमें, तो वो सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।